भाई सात ऐसी जबरदस्त मूवीज बताता हूँ जिनका आप एंड बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाओगे कि इसका एंड कैसा होने वाला है। ये मूवीज भाई जबरदस्त थ्रिल के साथ भरी हुई है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करती है और आपको पूरी टाइम स्क्रीन से चिपका के रखेंगे। लेकिन लिस्ट से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि इनमें से कुछ मूवीज मैं पहले शॉर्ट्स के अंदर कवर कर चुका हूं। लेकिन क्या है ना भाई, आपने भी सारी शॉर्ट्स नहीं देखी होंगी तो हो सकता है आपने काफी ज्यादा मूवीज मिस कर दी हो। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ मूवीज इंक्लूड करी है उन शॉर्ट्स के अंदर से भी, जिस वजह से भाई जिन्होंने वो शॉर्ट्स नहीं देखी है उनसे ये मूवीज मिस ना हो जाए। तो भाई इंट्रो में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते और चलिए मूवीज की लिस्ट को स्टार्ट करते। तो भाई पहले मूवी की कहानी पुलिस ऑफिसर के बारे में और एक क्रिमिनल के बारे में। दोनों ही अपनी अपनी जॉब कर रहे होते हैं लेकिन भाई अपोजिट टीम के अंदर। मतलब पुलिस वाला जो होता है एक अंडरकवर एजेंट होता है क्रिमिनल्स के बीच, क्रिमिनल का एक अंडरकवर एजेंट होता है पुलिस वालों के बीच। अब इन दोनों लोगों को ही एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। कहानी में इंटरेस्ट दबाने लग जाता है जब दोनों लोगों को पता चलता है कि दोनों की गैंग में एक एक अंडरकवर एजेंट है। अभी दोनों पता लगाना चाह रहे होते हैं, साथ ही अपना काम भी करना चाह रहे होते हैं जिससे उनके सुपरवाइजर उनको मारना दे। अब इन दोनों के साथ आगे आगे क्या होता है इस मूवी को देख के जानो। मूवी का नाम है द डिपार्टेड। ये 2006 की मूवी है, कमाल की मूवी है भाई, आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है तो उसको एक बार जरूर ट्राई करना। अब आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। भाई क्या सही में भाई ये गजब की मूवी है, आपको पूरे टाइम स्क्रीन से चिपका के रखेगी। इसके अंदर दो जादूगर होते हैं और दोनों ही एक टाइम पे काफी अच्छे दोस्त रहे होते हैं। लेकिन भाई दोनों की एक होड़ होती है कि मैं ज्यादा बड़ा जादूगर हूँ या तू ज्यादा बड़ा जादूगर है। दोनों के बीच कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा इंटेंस होता जाता है कि भाई हमारी भी एकदम धड़कनें बढ़ने लग जाती है और हम ये गेस नहीं कर पाते मूवी के अंदर कि कौन मूवी के एंड तक आते थे ज्यादा बड़ा जादूगर साबित हो जाएगा। इस मूवी के अंदर भाई कुछ कुछ ऐसा ट्विस्ट है कि आपका दिमाग भी कहेगा कि भाई ये तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आया था। इस मूवी को एक बार जरूर देखना। इस मूवी का नाम है द प्रेस्टीज, जो 2006 की मूवी है। कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा भाई इसके अंदर। प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। आगे बढ़ती है अगली मूवी की तरफ। इस मूवी की कहानी एक पुलिस ऑफिसर के अराउंड घूम रही होती है। एक पानी के अंदर फेरी होती है जिसके अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस ऑफिसर को काम दिया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि बॉम्ब ब्लास्ट किसने करा। ये बंदा इन्वेस्टिगेट कर ही रहा होता है तो उसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे पास के इवेंट्स देख सकता है, देखना छोड़ो भाई चेंज तक कर सकता है। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है यही इस बारे में मूवी है। मूवी का नाम है देजा वू। ये भी भाई 2006 की मूवी है लेकिन भाई आपको किसी OTT पे नहीं मिलेगी तो आपको इंटरनेट पे ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। ये भाई कुछ तरीके से टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट दिखा देती है। इस मूवी के अंदर एक लड़का लड़की होती है लेकिन भाई बिल्कुल अनरिलेटेड होते हैं, अलग अलग एरिया में रह रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन दोनों के पास एक कॉल जाता है और कॉल पे उनको लड़की बोल रही होती है अलग अलग चीजें करने के लिए, बहुत खतरनाक चीजें करने के लिए बोलती है भाई वो लड़की। और अगर वो लोग उस लड़की का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो वो लड़की उन दोनों को ही मार देगी, उनकी फैमिली को भी मार देगी। और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए राजी हो जाते हैं भाई, बहुत ही खतरनाक काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। अभी लड़की कौन है, इनको कॉल क्यों कर रही है और ये लोग क्या क्या करते हैं और उससे बच पाते हैं या नहीं, इस मूवी को देख के जानो भाई। मूवी का नाम है ईगल आई। ये 2008 की मूवी है, कमाल की मिस्टीरियस मूवी के अंदर हो सकता है आप मूवी देखते देखते शायद थोड़ा एंड गेस कर लो, लेकिन मैं फिर भी ये मूवी आपको पूरे टाइम एंगेज रखेगी, जबरदस्त थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी, तो एक बार जरूर देखना। और अगर आप देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो भाई इस वीडियो के हम टॉप 3 मूवीज के ऊपर बढ़ने वाले हैं, लेकिन भाई उससे पहले अगर आप इस वीडियो में इतनी देर तक टिके हो तो आपके लिए 2 बोनस और बताता हूँ। तो भाई पहली बोनस मूवी है एक मैजिशियन के बारे में। ये बंदा प्रोफेशनली तो मैजिशियन होता है लेकिन इसके पास एक सुपर पावर हकीकत में होती है कि फ्यूचर देख सकता है। कोई बहुत दूर का फ्यूचर नहीं लेकिन सिर्फ 2 मिनट आगे के देख सकता है। अब इसकी इस पावर का कुछ FBI एजेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं एक न्यूक्लियर टेररिस्ट अटैक रोकने के लिए। अभी कर पाते हैं नहीं, इस मूवी को देख के जानो। मूवी का नाम है नेक्स्ट। ये 2007 की मूवी है, फिलहाल किसी OTT पे नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। और दूसरी बोनस मूवी एक एग्जाम के बारे में है। इसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और उसके एग्जाम देने जाते हैं। काफी हाई प्रोफाइल जॉब होती है इसलिए हर कोई वहां पे जितने बैठे होते हैं सबको ये जॉब चाहिए होती है। अब इन लोगों के पास 80 मिनट होते हैं, सिर्फ उनको एक सवाल दिया जाता है और उसका सिर्फ एक जवाब देना होता है। लेकिन भाई इन लोगों को सवाल ही पता नहीं होता, 80 मिनट के अंदर ये लोग सवाल पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उसका जवाब दे सके और नौकरी पा सके। अब इस सवाल क्या है इस मूवी को देख के जानू। मूवी का नाम है एग्जाम। ये 2009 की मूवी है। भाई सही में ये मूवी आपका दिमाग चलाने में मजबूर कर देगी। फिलहाल ये किसी OTT पे नहीं मिलेगी तो आपको इंटरनेट ढूंढना पड़ेगा और ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। लेकिन अच्छी बात ये है कि भाई इस मूवी को मैंने YouTube पे देखा था। तो भाई अगर आपकी भी किस्मत अच्छी है और आप YouTube पर सर्च करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको मूवी YouTube पे ही मिल जाए। इन दोनों को इस लिस्ट में इंक्लूड इसलिए नहीं करा क्योंकि नेक्स्ट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी कुछ कुछ आप भी धीरे धीरे खोलते जाओगे कि मूवी के अंदर एंड में क्या होने वाला है। और एग्जाम को इंक्लूड इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई इस इंग्लिश में अवेलेबल है। खैर ये दोनों बोनस मूवीज थी, इनको एक बार जरूर देखना कंसीडर करना। अब आप चलते हैं टॉप 3 मूवीज के ऊपर, सुपर थ्रिल वाली जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो अगली कहानी है ऐसे बंदे के बारे में जिसको इंसोम्निया है, उस बंदे को नींद नहीं आती है, वो रातों रात तक जागता रहता है। तो उसको एक बंदा मिलता है टायलर नाम का जिससे वो दोस्ती करके फाइट क्लब स्टार्ट करता है और ये फाइट क्लब से रात में ऑपरेट करता है और अंडरग्राउंड फाइट्स कराता है। धीरे 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 फाइट क्लब भाई बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बन जाता है। तो जो बंदे थे जिन्होंने इसको स्टार्ट करा था भाई उनकी कहानी एंड में क्या हो जाती है इस मूवी को देख के जानो। भाई इस मूवी का एंड बिल्कुल सही में भाई दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है आपको कुछ समय तक ऐसा लगे कि भाई ये सही में हुआ क्या हमारे साथ। तो इस मूवी को अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस मूवी को एक बार जरूर देखो। मूवी का नाम है फाइट क्लब, 1999 की मूवी है। आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। बवाल मूवी है भाई,
मस्ट वॉच। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और इस मूवी की कहानी घूमती है एक बच्चे के अराउंड जिसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है कि भाई असली दुनिया के अंदर भूत देख सकता है, लेकिन भाई वो उसी पावर को कर से समझ रहा होता है और इसी से डरता भी होता है क्योंकि होता तो एंड में बच्चा ही है। तो वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेता है ये सोच के कि शायद उसको उससे कोई हेल्प मिलेगी। अभी साइकोलॉजिस्ट उस बच्चे की मदद कर पाता है या नहीं इस मूवी को देख के जानू। मूवी का नाम है द सिक्स्थ सेंस, ये 1999 की मूवी है और भाई क्या सही में एंड इसका भी क्या दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार जरूर देखना, आपको हॉटस्टार पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई इस वीडियो की आखिरी मूवी के बारे में। भाई सही में अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो भाई आप बहुत तगड़ा मास्टरपीस छोड़ के बैठे हो। इसकी कहानी करीब 1954 के अराउंड घूमती है। इस मूवी के अंदर दो यूएस मार्शल होते हैं जो कि एक मेंटल असाइलम जाते हैं जहां पे एक मर्डरर को रखा जा रहा होता है, वो वहां से डिसअपीयर हो गया होता है। अभी लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि वो डिसअपीयर कैसे हुआ, कहां गया और क्या मेंटल असाइलम के किसी बंदे ने उस बंदे की मदद करी है वहां से भागने के लिए। आपको सुनने में काफी ज्यादा सिंपल लग रही होगी स्टोरी, लेकिन भाई मूवी देखोगे तो आपको सही में भाई एक के बाद एक सरप्राइज मिलता चला जाएगा और एंड तो भाई सही में दिमाग का ढक्कन खोल देगा। इस मूवी का नाम है शटर आइलैंड, ये 2010 की मूवी है। भाई सही में सुपर थ्रिल मूवीज के अंदर भाई टॉप पे मानी जाती है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है मस्ट वॉच है मेरी नजर में। प्राइम वीडियो पे मिलेगी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए, अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखो। तो भाई इतनी मूवीज बतानी थी मेरे को इस वीडियो के दौरान। अगर आपको और मूवी रिकमेंडेशन चाहिए तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी 7 मूवीज की जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। अभी की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। दिस इज शोरो मनी साइनिंग ऑफ।